हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज उदित गुप्ता। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस होगा। बेसिकली ये जो हमारा चैप्टर है ये दो मेजर टॉपिक्स को कवर करता है जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये दो अलग अलग सेगमेंट्स हैं, तो पोटेंशियल और कैपेसिटेंस को हम लोग अलग अलग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर बेस्ड होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर बेस्ड होगा, और साथ ही साथ हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर मतलब डाइपोल के थ्रू निकालने की कोशिश करेंगे एक्सियल और इक्विटोरियल पॉइंट्स पर, और साथ ही किसी पॉइंट चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होता है किसी पॉइंट पर उसको समझेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? आई होप आप सबने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्लास 11th में पढ़ा होगा, तो थोड़ा सा उसको डिस्कस करते हैं, उसे लिंक करते हुए हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा 2 मिनट का डिस्कशन हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पर करेंगे। सपोज दैट ये हमारी स्टेयर्स हैं, सीढ़ियां हैं, ठीक है। एक मास जो यहां जमीन पर रखा हुआ है, ग्राउंड लेवल पर है, एक ऑब्जेक्ट, कुछ एम केजी का मास का ऑब्जेक्ट किसी ग्राउंड पर रखा हुआ है, इसको हमें, और यहां पर आप मान लीजिएगा ये जो जितनी भी स्टेयर्स की हाइट है वो 2 मीटर्स हैं, टू मीटर्स तो ज्यादा, चलिए 2 मीटर ले लेते हैं, बहुत ज्यादा हो जाएगा लेकिन कोई बात नहीं, 2 मीटर, ठीक है। जो स्टेप्स हैं वो 2 मीटर्स की हैं, बहुत ज्यादा है लेकिन कोई बात नहीं। तो एक एम मास है, उसे हमें क्या करना है, हमें उठा करके इस वाली स्टेयर पर रखना है। तो यहां पर रखने के लिए, इस मास को यहां पर रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? ऑब्वियस ही बात है, मास खुद ब खुद उठ के तो नहीं चला जाएगा। आप इस पे वर्क डन करोगे और इस मास को यहां रखोगे स्टेयर पर, किसी हाइट पर रखोगे। कितनी हाइट हो गई है? 4 मीटर की हाइट पर आपने रखी, ठीक है। तो आपने मास को उठाया, वर्क डन किया और उठा करके सेकेंड स्टेयर पर रख दिया। आपने वर्क डन किया, वर्क डन किसके अगेंस्ट किया? ग्रेविटी के अगेंस्ट किया। किसके अगेंस्ट किया? ग्रेविटी के अगेंस्ट किया। तो यहां पर क्या होता है, जब भी हम किसी चीज पर वर्क डन करते हैं तो वो चीज उसको एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर लेता है। तो ये मास क्या करेगा, ये मास उस हमारे द्वारा किए गए वर्क डन को एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर लेगा, और उस एनर्जी को हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कैसे करते हैं? मान लेते हैं ये मास हमारा 3 kg का है, सपोज दैट। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं? mgh से करते हैं। तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी है यहां पर? मास 3 है, g10 ले लेते हैं, और हाइट हमारी कितनी हो गई है? 4 हो गई है। तो कितना हो गया? 120 जूल, ठीक है। इतना आपने वर्क डन, मतलब ये जो 120 जूल एनर्जी जो ब्लॉक के पास आई, कैसे आई? क्योंकि हमने इतना वर्क डन किया, हमने क्या किया, इतना वर्क डन किया किस पर? ब्लॉक पर। तो जितना हमने वर्क डन किया उस वर्क डन को उस ब्लॉक ने, उस मास ने एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर लिया। आ रही है बात समझ में? अगर इसी ब्लॉक को हम लोग थर्ड स्टेयर पर ले जाएं तो हाइट कितनी हो जाएगी? अब ये हाइट हो जाएगी 6 मीटर की। ये हाइट कितनी हो जाएगी? 6 मीटर की। अब कितना वर्क डन किया करेंगे हम इस वाले स्टेयर के लिए? जो वर्क डन हमने किया 120 जूल किया, ठीक है। अब इस वाले स्टेयर पर कितना होगा? इस वाले स्टेयर के लिए वर्क डन निकालोगे तो मास 3 है, ठीक है, जी 10 ही रहेगा, हाइट कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? 180 जूल हो गया। मल्टीप्लाई करो तो आपने 180 जूल का वर्क डन किया, और ये 180 जूल जो है वो एनर्जी के फॉर्म में इस ब्लॉक में स्टोर कर लिया। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेयर पर, अगर आप ले आए होते उसको, उस ब्लॉक को आप पहली स्टेयर पर ही लाए होते तो, ठीक है, तो कितना करते? तो यहां पर कितना हो जाएगा वर्क डन? यहां पर ऑब्वियस सी बात है कितना होता बताओ? 40 जूल होता क्या? नहीं, 40 नहीं, 60 जूल होता। देख लेते हैं, मास 3 था, जी कितना है? 10 है, और हाइट कितनी है? 2 है। तो कितना होता? 60 जूल हो जाता। तो यहां पर अगर आप ब्लॉक को फर्स्ट ईयर पर रखते तो आपको 60 जूल का वर्क डन करना पड़ता, ब्लॉक उस वर्क डन को एनर्जी फॉर्म में स्टोर कर लेता। तो आप देख रहे हो, जैसे से हाइट बढ़ा रहा हूं इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जा रही, मतलब मैं अर्थ से जितना दूर चलता चला जा रहा हूं ब्लॉक को लेकर के, जितना ज्यादा मेरे को मतलब ब्लॉक को ऊपर ले जाना है उतना ज्यादा मेरे को वर्क डन करना पड़ रहा है, और उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रहा है। तो इससे एक बात तो, एक कंक्लूजन तो क्लियर हो गया कि हर स्टेप की पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग, यानी हर स्टेप पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो अलग अलग है। मैं पहले स्टेप पर लाऊंगा तो मेरे को
3 केजी का अगर मास है तो उस पर 60 जूल का वर्कडन करना पड़ेगा। अगर मैं सेकंड स्टेयर पर लाऊंगा तो 3 केजी का मास है तो 120 जूल का वर्कडन करना पड़ेगा, और अगर मैं थर्ड स्टेयर पर लेकर के जाऊंगा 3 केजी के मास को तो मुझे 180 जूल का वर्कडन करना पड़ेगा। तो यहां पर हर स्टेयर का अपना अपना क्या है, एक एक रिक्वायरमेंट है कि आपको इतना वर्कडन करना पड़ेगा इस स्टेयर पर इसको रखने के लिए। मतलब हर स्टेयर के पास अपनी अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी है कि इस स्टेयर पर अगर मैं ब्लॉक को रखूंगा तो अलग पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर करेगा, उसके ऊपर वाले स्टेयर पर अगर मैं ब्लॉक को रखूंगा तो अलग पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर करेगा। तो यहां पर हम 3 केजी के रिस्पेक्ट में बात करें, लेकिन जनरली हर स्टेयर के पास कितनी एनर्जी है उसको हम लोग एक रेफरेंस हम 1 केजी के रिस्पेक्ट में देखें तो 1 केजी के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें 1 केजी के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें चीजों को, ठीक है, अगर 1 केजी अगर हम मान लेते हैं ब्लॉक हमारा 1 केजी का है तो 1 केजी पे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, 1 केजी पर कितना करना पड़ेगा, पहले 2 मीटर का है स्टेयर तो 1 केजी पर हमें करना पड़ेगा कितना, यहां पर 1 × 10 × फॉर्मूला वही लगा रहे 20 जूल पर केजी, मतलब 1 केजी का यानी पर केजी आपको पर केजी कितना वर्क डन करना पड़ रहा है 20 जूल का। ऊपर वाली स्टेयर पर गए, हाइट 4 मीटर हो गई, हाइट कितनी है 4 मीटर हो गई तो कितना 40 जूल का, 40 जूल पर केजी। थर्ड स्टेयर पे 60 जूल पर केजी, तो ऐसे ही क्या हो रहा है पर केजी आपको हर स्टेयर पर जो वर्क डन करना पड़ रहा है वो वहां का पोटेंशियल है। देखिए यहां पर हमने पर केजी के रिस्पेक्ट में क्यों निकाला, क्योंकि कितने भी केजी का ऑब्जेक्ट हो, कितने भी केजी का ऑब्जेक्ट हो, मान लेते हैं 4.5 केजी का ऑब्जेक्ट आपने लिया, तो अगर आपको ये पता है कि 1 केजी पर 20 जूल का करना पड़ा है तो 4.5 पर कितना करना पड़ेगा, 4.5 × 20 तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा आप देखो, यानी 4.5 जूल पर 90। तो अगर पर केजी के रिस्पेक्ट में हमें पता है किसी पॉइंट का या किसी स्टेयर का पोटेंशियल तो हम कितना भी मास मुझे दे दिया जाए मैं सबका पोटेंशियल आराम से निकाल सकता हूं। तो यानी फर्स्ट ईयर के पास जो पोटेंशियल है वो इतना है, सेकंड के पास इतना है और थर्ड के पास इतना है। तो पोटेंशियल क्या है, जो आप वर्क डन कर रहे हो मास पर उसको एक पर्टिकुलर पोजिशन पर पहुंचाने के लिए, वो है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब इसको हम लोग रिलेट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में। समझना ध्यान से, ये कोई बहुत बड़ा प्लस क्यू चार्ज, कोई बहुत बड़ा प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। अब यहां पर मान लेते हैं कोई छोटा चार्ज, यहां पर मान लेते हैं कोई पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, यहां पर कोई क्यू नॉट चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है, दोनों पॉजिटिव नेचर के चार्ज हैं, ये बहुत बड़ा सोर्स चार्ज है और ये बहुत छोटा सा टेस्ट चार्ज, ठीक है, क्यू नॉट चार्ज प्रेजेंट है पॉइंट ए पर। तो यहां पर क्या होगा, जब आप इसको ए से बी पर ले आओगे तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज रिपेल करेगा क्यू नॉट को, अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, रिपेल कर रहा है, वो दूर भगा रहा है। जैसे अर्थ में क्या होता है कि कोई चीज अर्थ की तरफ अट्रैक्टेड होती है, अर्थ से दूर नहीं जा सकती, आप उसको दूर ले जाओगे तो वर्क डन करना पड़ेगा। उसी तरीके से क्यू नॉट को क्या कर रहा है, प्लस क्यू रिपेल कर रहा है, इसको भगा रहा है, दूर भगा रहा है। तो अगर आपको क्यू नॉट को बी पर लाना है, ए से बी पर लाना है, क्यू के पास लाना है, आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। तो जब आप क्यू नॉट पर वर्क डन करोगे तो क्यू नॉट क्या करेगा, उस वर्क डन को एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर लेगा, और वही एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। जो आप वर्क डन करोगे क्यू नॉट पर वही उसकी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। आप बी पर लाना चाहोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। वहीं अगर आप सी पर लाना चाहोगे और ज्यादा पास तो आपको और ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। तो यहां पर हमें एक बात समझ में आई कि किसी भी चार्ज, किसी भी सोर्स चार्ज के रीजन में अगर आप किसी दूसरे चार्ज को लाना चाह रहे हो तो आपको क्या करना पड़ रहा है, वर्क डन करना पड़ रहा है। तो यही वर्क डन जो आपको करना पड़ रहा है यही एक्चुअली पोटेंशियल है, यही क्या है, पोटेंशियल है, ठीक है, यही क्या है, किसी चार्ज का पोटेंशियल है किसी पॉइंट पर। अगर आप देखो आप इस चार्ज को और क्लोज लाना चाह रहे हो, डी पर लाना चाह रहे हो, तो आपको और ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा ताकि क्या हो जाए, ताकि वो चार्ज डी पर आ जाए। तो जितना भी आप वर्क डन कर रहे हो किसी चार्ज पर वो क्या है, वो उस पॉइंट का पोटेंशियल है। क्योंकि देखो देखो पोटेंशियल पॉइंट का होता है किसी चार्ज प्लस क्यू की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो पॉइंट डी का होगा, पॉइंट सी का, क्योंकि अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग वर्क डन करना पड़ रहा है।
यहां पर बी पर थोड़ा कम वर्कडन करना पड़ रहा है, सी पर ज्यादा, और डी पर सबसे ज्यादा वर्कडन करना पड़ रहा है क्यू नॉट को लाने के लिए। तो अब हर पॉइंट का, अब इस चार्ज के सराउंड जितने भी पॉइंट्स हैं सबका क्या है, अपना अलग अलग पोटेंशियल है कि कितना काम करना पड़ रहा है किसी पॉइंट पर किसी चार्ज को लाने के लिए। और यहां पर हम लोग जो पोटेंशियल देखते हैं वो पर यूनिट चार्ज देखते हैं, क्योंकि अगर हमें पता चल जाएगा कि एक यूनिट चार्ज को लाने में कितना वर्कडन करना पड़ रहा है, तो कितना भी चार्ज हमसे पूछा जाए कि इस चार्ज पर कितना वर्कडन करना पड़ेगा, तो हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो यहां पर अब जैसे पॉइंट मैं मान लेता हूं कि यहां पर जो है पॉइंट पॉइंट ए का पोटेंशियल VA है, पॉइंट बी का पोटेंशियल VB है, पॉइंट सी का पोटेंशियल VC एंड पॉइंट डी का पोटेंशियल VD। तो जब पॉइंट ए पर चार्ज था तो उसके पास पहले थोड़ा पोटेंशियल, देखो पॉइंट ए पर है तो उसके पास कितना पोटेंशियल है, उसके पास पोटेंशियल है VA, उसके पास कितना पोटेंशियल है VA। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, जब आप उसको B पर ले जाओगे तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा, आपको वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन करना पड़ेगा कितना, A पर लाए तो A पर लाने के लिए कुछ वर्क, कभी ये चार्ज शू नॉट कभी तो A पर आया होगा कहीं से, तो यहां पर A पर लाने में आपने वर्क डन किया। अब B पर ले जाना तो आपको थोड़ा और वर्क डन करना पड़ेगा, तो जो एडिशनल वर्क डन आपको करना पड़ रहा है चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने के लिए, वही क्या है, दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस को समझते हैं हम। देखो आप जो है आपने चार्ज को क्यू नॉट को ए से बी ले गए और आपने डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क डन किया, मतलब ए पर था ए से बी ले जाना है तो आपको डब्ल्यू वर्क डन और करना पड़ रहा है। तो ये जो एक्स्ट्रा वर्क डन दो पॉइंट्स के बीच में आप कर रहे हो किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने के लिए, वही वर्क डन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, तो यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, कितना वर्क डन करना पड़ रहा है दोनों पॉइंट्स के बीच में अपॉन चार्ज, क्योंकि हम पर यूनिट चार्ज के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, हमें वन यूनिट यूनिट चार्ज के रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं। देखो पोटेंशियल हर चार्ज के लिए अलग अलग आएगा, तो एक रेफरेंस हम लेते हैं, हम लेते हैं यूनिट चार्ज, क्योंकि अगर हमें यूनिट चार्ज के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल पता चल गया तो हम इजिली सारा कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच का क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच का होता है कि आपको कितना वर्क डन करना पड़ रहा है दोनों पॉइंट्स के बीच में, पर यूनिट चार्ज आपको कितना वर्क डन करना पड़ रहा है दोनों पॉइंट्स के बीच में। तो ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट है वो होती है वोल्ट, क्या होती है, एसआई यूनिट होती है वोल्ट। किस साइंटिस्ट के नाम पर है, एलेक्सेंड्रो वोल्टा के नाम पर, एलेक्सेंड्रो वोल्टा के नाम पर है ये यूनिट वोल्ट है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखिए तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर वोल्ट है, वर्क डन क्या है जूल है, और चार्ज क्या है कूलम्ब है, तो वोल्ट क्या होगा जूल पर कूलम्ब होगा, वोल्ट क्या होगा जूल पर कूलम्ब होगा। तो ये यूनिट हो गई हमारी पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, आपको वर्क डन करना पड़ रहा है दो पॉइंट्स के बीच में चार्ज को मूव कराने के लिए, तो जितना वर्क डन पर यूनिट चार्ज आपको करना पड़ रहा है दो पॉइंट्स के बीच में, वही क्या है, वही पोटेंशियल डिफरेंस है, वही क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब यहां पर ध्यान से समझिएगा, हम लोग डेफिनेशन को देखते हैं थोड़ा। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या लिखा गया है, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट हमें कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, इसको मैं यहां बना देता हूं। जैसे ये प्लस क्यू चार्ज है, ये पॉइंट ए है हमारा, ये पॉइंट बी है, इस क्यू नॉट को आप इधर इधर लाना चाहते हो, तो आपको आपने जितना वर्क डन किया, आपने जितना वर्क डन किया चार्ज को पॉइंट ए से बी ले जाने के लिए, वही वर्क डन पर यूनिट चार्ज आपका क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है। पर यूनिट चार्ज क्यों, क्योंकि हम यूनिट चार्ज के रिस्पेक्ट में देखते हैं, दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है यूनिट चार्ज। इवन हम किसी पॉइंट पर जो पोटेंशियल भी देखेंगे, हम ये देखेंगे कि इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल देखेंगे वो पर यूनिट चार्ज के रिस्पेक्ट में ही देखेंगे। ठीक है, यहां पर देखिए ये आ गया, यूनिट क्या होगी इसकी वोल्ट होगी, यूनिट क्या होगी वोल्ट्स होगी। ठीक है, वर्क डन जूल होता है, चार्ज कूलम, तो वोल्ट क्या हो गया जूल पर कूलम। ये सारी बातें मैंने अभी डिस्कस करी हुई है। तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट, कि दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कितना वर्क डन आपको करना पड़ रहा है किसी चार्ज को ए से बी ले जाने के लिए या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने के लिए, वही उन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल क्या होता है। अभी तक हम दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को डिस्कस कर रहे थे, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल को समझते हैं। मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज है,
ये पॉइंट पी है और ये इंफिनिटी है, बहुत दूर हम गए। देखिए इंफिनिटी पर अगर कोई टेस्ट चार्ज इंफिनिटी पर प्लेस्ड है, इंफिनिटी पर प्लेस्ड है, तो वह इंफिनिटी पर वो बहुत कम नेगलिजिबल जीरो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, लगभग जीरो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। किसकी वजह से? प्लस क्यू की वजह से। कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? जीरो न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, अप्रोक्सीमेटली नियरली जीरो न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इन्फिनिटी पर। तो यहाँ देखो इन्फिनिटी पर क्या होता है, अगर आप किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर ला रहे हो, अगर आप किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर ला रहे हो, तो यहां पर जो आप वर्क डन करोगे इन्फिनिटी से पी पर लाने के लिए, मान लेते हैं डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क डन करो, कितना वर्क डन करो? डब्ल्यू। तो इसको कैसे लिखोगे? आप लिखोगे Vp माइनस V इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू कितना वर्क डन किया? वर्क डन W की अपॉन चार्ज। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आ गया ना, इन्फिनिटी और पॉइंट P के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया कि कितना अंतर है वर्क डन, मतलब आपको कितना एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा इन्फिनिटी से P पर लाने के लिए, वही होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस। इन्फिनिटी का पोटेंशियल जीरो होता है, V इन्फिनिटी जीरो होता है, इन्फिनिटी पर जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है। जीरो क्यों होता है? इन्फिनिटी पर पोटेंशियल जीरो क्यों होता है? जीरो इसलिए होता है क्योंकि वहां पर जो चार्ज है वो फ्रीली एग्जिस्ट कर रहा है, वहां पर प्लस क्यू की वजह से उस पर कोई ज्यादा फोर्स काम नहीं कर रहा। तो वहां पर वो अगर चार्ज रहना चाहता है तो इसको यहां रहने के लिए आपको कोई इस पर वर्कडन नहीं, इसको यहां रखने के लिए आपको कोई वर्कडन नहीं करना पड़ रहा। जब वर्कडन नहीं करना पड़ रहा तो इसके पास कोई एनर्जी नहीं है, कोई पोटेंशियल नहीं है। ठीक है, इस पॉइंट का कोई पोटेंशियल नहीं है क्योंकि यहां पर चार्ज के पास कोई एनर्जी नहीं है। तो यहां पर क्या है, यहां पर जो इन्फिनिटी पर जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है। तो अगर इन्फिनिटी का पोटेंशियल जीरो होता है, अगर इन्फिनिटी का पोटेंशियल जीरो होता है, तो यानी कि अगर आप किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर ला रहे हो, अगर किसी चार्ज को आप इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर ला रहे हो, यानी वो जो वर्कडन आप कर रहे हो वो उस पॉइंट का पोटेंशियल। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर किसी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, किसी पॉइंट का पोटेंशियल होता है कि आप इन्फिनिटी से कितना वर्क डन करके किसी पर यूनिट चार्ज को, जिस पॉइंट पर आप ला रहे हो, इन्फिनिटी से जो वर्क डन करके आप पर यूनिट चार्ज को, एक यूनिट चार्ज को यहां पर ला रहे हो, वही वर्क डन क्या है? उस पॉइंट का पोटेंशियल। उस पॉइंट का पोटेंशियल, जो भी वर्क डन आप करके आप किसी चार्ज को इन्फिनिटी से, किसी चार्ज को नहीं, यूनिट चार्ज को आप इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर ला रहे हो, वो उस पॉइंट का क्या है? पोटेंशियल है। क्या लिखा है? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखो भैया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट ही काम हो रहा है यहाँ पर। आप देख सकते हो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये इसकी फील्ड हमेशा इसको रिपल करेगी, तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट उस चार्ज को किसी पॉइंट पर ला रहे हो। तो जो वर्क डन आप कर रहे हो यूनिट चार्ज को उस पॉइंट पर लाने के लिए, कहां से? इन्फिनिटी से। ठीक है, तो ये जो वर्क डन है वो उस पॉइंट का पोटेंशियल है जिस पर आप लाना चाहते हो। ठीक, तो ये हो गया, तो ये हो गया पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं, यहां पर अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट का पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं, हम किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट का पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं। मान लेते हैं यहां कोई प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ये पॉइंट ए है और इसके बहुत क्लोज एक पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी मान लेते हैं, ये बहुत छोटी डिस्टेंस डीएक्स मान लेते हैं। Q से A की जो डिस्टेंस है वो X है और Q से P की जो डिस्टेंस है वो R है, ये इन्फिनिटी। मान लेते कोई चार्ज Q नॉट A पर था, सपोज दैट अगर A पर है और हमें उसे B पर ले जाना है, कोई चार्ज Q नॉट A पर है और उसे हमें कहां ले जाना है? B पर। तो पहले मुझे आप ये बताओ कि Q नॉट पर ये प्लस Q चार्ज फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा, Q नॉट पर ये प्लस Q चार्ज किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? ऑब्वियस सी बात है, जो फोर्स लगेगा Q नॉट पर वो इस डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाएगी Q नॉट पर इस डायरेक्शन में लगाएगी। तो Q नॉट को B पर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट फोर्स लगाना पड़ेगा, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट फोर्स लगाना पड़ेगा, आपको कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि वो जो चार्ज Q नॉट है वो B पर आ जाए, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो फिर Q नॉट को नहीं आने दे सकती अंदर क्योंकि रिपल्शन लग रहा है लगातार, तो आपको कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। अब कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, ये क्वेश्चन आ गया, तो कितना लगाना पड़ेगा? तो यहां पर देखो एक कंसिडरेशन है इलेक्ट्रोस्टैट्स में, कंसिडरेशन ये है कि जो क्यू नॉट का नेचर है, क्यू नॉट का फ्री नेचर है, क्यू नॉट का फ्री नेचर कैसा है?
क्यू नॉट का फ्री नेचर कुछ ऐसा है कि अगर क्यू नॉट पर नेट फोर्स जीरो काम करेगा, क्यू नॉट पर नेट फोर्स अगर जीरो काम करेगा तो क्यू नॉट खुद ब खुद विदाउट एनी एक्सेलरेशन, मतलब एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ खुद ही इधर को मूव करेगा। क्यू नॉट विदाउट एनी एक्सेलरेशन यानी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ खुद ही इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है, ये कंसिडरेशन है। अगर क्यू नॉट पर लगने वाला नेट फोर्स कितना है, जीरो, अगर क्यू नॉट पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो जाए तो क्यू नॉट खुद ब खुद जो है वो बी पर चला जाएगा एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ विदाउट एनी एक्सेलरेशन, ठीक है, बहुत धीरे धीरे। तो यहां पर देखिए, तो यहां पर अगर हम चाहते हैं कि क्यू नॉट बी पर चला जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कम से कम एक्सटर्नल फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड जितना लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड जितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा लगाया गया फोर्स जितना हो जाएगा, दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। और नेट फोर्स जीरो होते ही क्यू नॉट खुद ब खुद कहां चला जाएगा, बी पर चला जाएगा, ठीक है, यही बात समझानी थी आपको, आप समझ गए। तो यहां पर जो आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे, वो इक्वल तो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, बट अपोजिट डायरेक्शन होगा, किस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अब यहां पर समझो मेरी बात ध्यान से, यहां पर कितना वर्क डन आपको करना पड़ता है, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स आप एफ लगा रहे हो और डिस्प्लेसमेंट डीएक्स है। तो यहां जो फोर्स हम लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स अगर हम लेते हैं, हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगा रही है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ही फोर्स लगाना है, वर्क डन करने के लिए हमें कितना फोर्स लगाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ही लगाना है, ठीक है, डीएक्स। अब ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगा रही है, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कितना कितना एंगल बन रहा है उनके बीच में, 180 डिग्री बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहां पर जो आपको वर्क डन करना पड़ेगा, cos 180 कितना होता है, cos 180 कितना होता है, बोलो भाई, cos 180 सुनाई नहीं दे रहा, माइनस वन होता है, cos 180 माइनस वन होता है। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा आपको, कितना वर्क डन करना पड़ेगा आपको, आपको वर्क डन करना पड़ेगा माइनस एफ ई इंटू डी एक्स। और एफ ई क्या होगा, एफ ई का मैग्नीट्यूड कितना होगा, एफ ई कैसे निकालोगे, ए पर रखे गए चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, तो कैसे निकालोगे, के क्यू क्यू नॉट अपॉन कितना डिस्टेंस है, एक्स, तो एक्स स्क्वायर, ये फोर्स इतना काम कर रहा है, ठीक है। अब यहां पर मान लेते हैं ये तो ए से बी ले जाने का वर्क डन है, मान लेते हैं हम किसी चार्ज को इन्फिनिटी से बी पर ले जाना चाहते हैं तो कितना वर्क डन करना पड़ता, अगर हम किसी चार्ज को इन्फिनिटी से बी पर ले जाना चाहते तो कितना वर्क डन करना पड़ता, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, बड़े समझदार हैं आप लोग, हम इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से जो दूरी है उससे, इन्फिनिटी से कहां तक ले जाना है, आर तक ले जाना है, तो हम इंटीग्रेशन लगा देंगे, हम क्या लगा देंगे, इंटीग्रेशन लगा देंगे। तो क्या आएगा यहां पर, यहां पर एफ ई को रखते हैं, सॉरी, इंटीग्रेट करते हैं। देखिए यहां जो चेंज हो रहा है, जो इंटीग्रेशन हो रहा है, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, कि पहले एक्स इतना सा था, अब हम पूरा इतना एक्स चाहते हैं, हम इतनी डिस्टेंस चाहते हैं पूरी, ठीक है। सॉरी, जो कांस्टेंट उसको बाहर निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर माइनस टू लिख सकते हैं। भैया डिनोमिनेटर जब ऊपर जाता है तो पावर निगेटिव हो जाती है, इतना तो पता ही होना चाहिए। अब इंटीग्रेशन क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, एक्स की पावर एन है अगर, और इसका इंटीग्रेशन अगर हम करना है तो पावर एक ऐड हो जाती है इंटीग्रेशन के बाद, मतलब पावर एक बढ़ जाती है और जितनी पावर होती है उससे हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो यही चीज करते हैं, ठीक है, इसी चीज को करते हैं, यहाँ नीचे दिखेगा आपको, नहीं दिखेगा, यहाँ बगल में कर देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पावर माइनस टू में एक पावर ऐड करेंगे तो माइनस वन हो जाएगा ना, माइनस टू प्लस वन, माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, लिमिट क्या है, लिमिट है इन्फिनिटी से आर, इन्फिनिटी से आर, ठीक है, यहाँ दिखेगा बिल्कुल, यहाँ चल रहा है यहाँ। तो वहां से अगर आप देखो तो क्या आएगा वर्क डन, वर्क डन कितना आएगा, वर्क डन आएगा माइनस के क्यू क्यू नॉट एक्स की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन, लिमिट कितनी है, इन्फिनिटी से आर।
तो ये माइनस वन और ये माइनस वन माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एक्स की पावर माइनस वन का मतलब होता है वन अपॉन एक्स, एक्स की पावर माइनस वन का मतलब होता है वन अपॉन एक्स। तो क्या आ रहा है यहां पर, लिमिट रखते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का फॉर्मूला है, पहले x की जगह अपर लिमिट रखेंगे जो कि r है, फिर माइनस लगाएंगे, फिर रखेंगे लोअर लिमिट जो कि 1 बाई इन्फिनिटी। तो 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है, 1 बाई इन्फिनिटी जीरो होता है, 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है। तो यहां क्या आ गया, 1 बाई r। तो आपको इतना वर्कडन करना पड़ेगा k q नॉट अपॉन इंटू 1 बाई r, यानी कि यहां फाइनल एक्सप्रेशन में लिखता हूं वर्कडन का, तो वर्कडन आपको कितना करना पड़ेगा, वर्कडन आपको करना पड़ेगा k q q नॉट बाय आर, ये आपको वर्क डन करना पड़ेगा। क्या करने के लिए, किसी चार्ज को इन्फिनिटी से पी पर लाने के लिए। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लेते हैं किसी चार्ज को इन्फिनिटी से पी पर ला रहे हैं, तो जो वर्क डन होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, क्या होगा, वीपी माइनस वी इन्फिनिटी होगा वर्क डन, वर्क डन इतना होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होगा, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होगा, तो वी इन्फिनिटी क्या होता है, बताओ वी इन्फिनिटी क्या होता है, वी इन्फिनिटी होता है जीरो, और वर्क डन आपने कितना किया है, k q q नॉट बाय r अपॉन q नॉट, तो q नॉट से q नॉट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो vp कितना आ गया, vp आ गया k q बाय r। तो किसी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, किसी पॉइंट का पोटेंशियल होता है k q बाय r, यानी किसी पॉइंट का पोटेंशियल देखना है किसी चार्ज की वजह से, कि किसी चार्ज की वजह से किसी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, तो वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, पहला कि वो चार्ज कितना मतलब स्ट्रेंथ क्या है उसकी, मैग्नीट्यूड क्या है उसका, दूसरा हम उससे कितनी दूर पर देख रहे हैं। जैसे अगर हम पॉइंट पी पर देखेंगे तो पोटेंशियल कुछ और होगा, बी पर देखेंगे कुछ और होगा, क्योंकि जैसे से आप दूर जाने लगोगे पोटेंशियल कम होने लगेगा, कम क्यों होने लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होने लगेगी, आपको कम वर्क डन करना पड़ेगा उस पॉइंट पर लाने के लिए, लेकिन जैसे से आप पास लाओगे तो क्या होगा, तो उस केस में पोटेंशियल बढ़ने लगेगा। तो पोटेंशियल का अगर मैं ग्राफ बनाऊं, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो कैसा ग्राफ बनेगा, उस ग्राफ को देखते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए फिर ग्राफ देखेंगे, ये चीजें आप नोट कर लीजिए, अगर हम लोग ग्राफ को समझते हैं, चलिए ठीक, अब इसको मैं इरेज कर रहा हूं, पॉज करके लिख लेना। अगर हम बात करें तो किसी पॉइंट के लिए जो पोटेंशियल आता है वो क्या आता है, के किसी पॉइंट के लिए जो पोटेंशियल आता है वो क्या आता है, के क्यू बाय आर आता है। तो के क्यू बाय आर है अगर पोटेंशियल, तो अगर हम ग्राफ देखेंगे पोटेंशियल वर्सेस आर का, तो आप देखोगे जैसे जैसे r बढ़ता चला जा रहा है पोटेंशियल घटता चला जा रहा है, जैसे जैसे r बढ़ता चला जा रहा है पोटेंशियल क्या होता चला जा रहा है, घटता चला जा रहा है, ठीक है। ठीक है, ये ग्राफ बनेगा पोटेंशियल का, क्या बनेगा, r v वर्सेस r का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी पोटेंशियल घटता चला जाएगा हर पॉइंट का, क्यों, जैसे जैसे आप दूर जाओगे उतना कम वर्क डन आपको करना पड़ेगा उस पॉइंट पर लाने के लिए, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम पोटेंशियल की पोटेंशियल निकालेंगे डाइपोल की वजह से, ठीक है, तीन केसेस उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करके पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट खत्म करेंगे। थैंक यू।